Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उमेश पाल हत्याकांड में अब अतीक के बेटे का बचना मुश्किल हो गया है। क्यों हो गया है, कैसे हो गया है, पुलिस कभी भी उसका एनकाउंटर कर सकती है, आखिरकार मैं यूं क्यों कह रहा हूं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें तो आपको पता होगा कि प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के फरार बेटे असद सहित अन्य हमलावरों की मुश्किलें पड़ सकती है। दो एनकाउंटर के बाद एसटीएफ और पुलिस की 15 से अधिक टीमें जहां यूपी में अपराधियों की खाद छानने में लगी हुई है, तो वहीं कोलकाता से लेकर नेपाल में इनकी तलाश में संपर्क साधे जा रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर मशहूर अनंत देव तिवारी को एसटीएफ में भेजे जाने के बाद नई चर्चाएं जो है वो शुरू हो गई है। पहले से ज्यादा तेजी से काम करेगी अब एसटीएफ। अनंत देव तिवारी को ऐसे वक्त में जिम्मेदारी दी गई है जब प्रयागराज का उमेश पाल हत्याकांड सुर्खियों में है और हमलावरों को तलाश में यूपी पुलिस की टीमें लगातार जुटी हुई है। अनंत देव तिवारी की कार्यशैली को देखकर कयास लगाए जाने लगे हैं कि आने वाले दिनों में एसटीएफ से अपराधियों का सामना होने पर उनका बचना मुश्किल होगा। हर छोटे बड़े इनपुट पर अब एसटीएफ पहले से ज्यादा तेजी से काम करेगी और हमलावरों पर शिकंजा कसेगी। कई नामी गिरामी अपराधियों का एनकाउंटर कर चुके हैं अनंत देव। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाने वाले अनंत देव पीपीएस स्वर्ग से पदोन्नत होकर आईपीएस अधिकारी बने थे। 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी अनंत देव मूल रूप से फतेहपुर के निवासी हैं और वर्ष 1991 में पुलिस सेवा में आए थे। लंबे समय तक एसटीएफ में तैनात रहे अनंत देव ने एसएसपी के पद पर रहते हुए कई कुख्यात अपराधियों को पकड़ने में अहम भूमिका निभाई है। अनुमान के मुताबिक उनके खाते में 100 से अधिक एनकाउंटर की लंबी लिस्ट है। कई ऑपरेशन को उन्हें लीड किया तो कई में खुद अपराधी उनकी गोली का निशाना बन गए। इनमें कुख्यात ददुआ और ठोकिया जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। उन्होंने बावरिया गिरोह, आतंकवाद, माफिया, डकैत उन्मूलन पर ठोस काम किया है। वर्ष 2002 में लश्कर के 3 आतंकियों की उनकी टीम ने ढेर किया था। लखनऊ में बावरिया गिरोह के सदस्यों का एनकाउंटर सहित कई मामलों के कारण वो लगातार सुर्खियों में बने रहे हैं और इसी को लेकर माना जा रहा है कि प्रयागराज में डीआईजी रेलवे के पद पर तैनात अनंत देव तिवारी को अपने मौजूदा प्रभार के साथ अस्थायी रूप से जिस तरह से एसटीएफ से जोड़ा गया है, यह फैसला काफी सोच समझ कर किया गया है और यूपी एसटीएफ संगठित अपराध नियंत्रण क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई कर सकती है और इसी के बाद जो है माना जा रहा है इनके इतिहास को देखकर अनंत देव तिवारी जो कि 100 से ज्यादा इनकाउंटर कर चुके हैं कि अब इनको जिम्मेदारी मिलने के बाद अतीक के बेटे का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा है। इस तरीके की चर्चाएं होने लगी है। बाकी इस मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।